अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है, कहा गया इन अ बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब्स, है ना, ध्यान रखना है 15 बल्ब्स ऑफ 45 वाट, 15 बल्ब्स ऑफ 100 वाट, 15 स्मॉल फैंस ऑफ 10 वाट एंड टू हीटर्स ऑफ 1 किलोवाट। मतलब इतने सारे अप्लायंसेज हैं जो कि यूज में आ रहे हैं, है ना। द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक मेंस इज 220 वोल्ट, द मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी, फ्यूज कैपेसिटी का मतलब है करंट का वैल्यू बताना है कि कम से कम इतना करंट सहने के लिए फ्यूज बनाया गया होगा, इससे थोड़ा भी ज़्यादा करंट होते ही फ्यूज जो है वो बर्न हो जाएगा, जल हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो बताना है द मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग, है ना। तो हमें पता है कि घरों में जितने भी अप्लायंसेज होते हैं सारे पैरेलल में लगाए जाते हैं, है ना, सारे पैरेलल में लगाए जाते हैं। तो अगर ऐसा कहा जाए कि जैसे ये तो हो गया अपना सोर्स, है ना, सोर्स हो गया और इसके पैरेलल में सारे अप्लायंसेज यहाँ पर ऐसे जोड़े जाते हैं इस तरह से, ठीक। और यहाँ पर जो मेन स्विच है होता है जहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट रहता है, यहीं पर हम लोग एक फ्यूज लगाते हैं, ठीक। तो फ्यूज से जाने वाला करंट जो है इधर डिवाइड हो जाता है, ठीक। तो अगर जितने भी अप्लायंसेज हैं सबका करंट निकाल करके हम लोग ऐड कर दें तो टोटल करंट निकल जाएगा यहाँ से, है ना। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो है इसका पावर, इसका पावर, सबका पावर पहले हम लोग जोड़ते हैं कि सब कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब ये सर्किट में टोटल कितना पावर यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है पूरा, ठीक। तो टोटल पावर जो होगा वो देखते हैं, 15 बल्ब है और एक बल्ब है 45 वाट का, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने पावर हो गया बल्ब की वजह से, 15 बल्ब इंटू 45 वाट, है ना, ये पावर आया ये वाले 15 बल्ब का। एक दूसरे तरीके के बल्ब हैं वो भी 15 बल्ब हैं 100 वाट के, तो ये टोटल कितना पावर कंज्यूम कर रहे होंगे, 15 इंटू 100 वाट, ठीक, प्लस 15 स्मॉल फैंस हैं, है ना, और इनका पावर है 10 वाट। तो 15 जो फैन हैं उनका टोटल पावर कंजम्पशन कितना है, 15 इंटू 10, प्लस दो हीटर है, टू हीटर्स ऑफ 1 किलोवाट और 1000 वाट, है ना। तो हम लिखेंगे 2 × 1000 वाट, तो ये जो है टोटल पावर कंजम्पशन हो गया। टोटल पावर कंजम्पशन जो है उसको लिखा जा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू टोटल करेंट, है ना, क्योंकि ये टोटल करेंट ये पूरे का है, ये आई इंटू यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहाँ के पावर के बराबर आएगा, है ना, या यूँ कह सकते हैं यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 220 दिया हुआ है, 220 पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट, ये आ जाएगा पावर यहाँ का, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 220 इंटू आई, इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये 4325 ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो यहाँ से अगर करंट का वैल्यू निकालेंगे तो 4325 डिवाइडेड बाई 220 ये आ रहा है 19.66 एम्पियर। तो इसके आसपास में अगर देखेंगे तो जो वैल्यू दिया गया है ऑप्शन में वो है ये फोर्थ वाला 20 एम्पियर, है ना, बाकी जो है काफ़ी दूर है उसे, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा।